जो ईद आती है ना तो सारे कसाई बन जाते पैसों वास्ते, सारे कसाई जिन्हों कदी जिन्हें कभी गोश्त नहीं किया कभी जानवर जीबा नहीं किया वह भी छुरियां लैके पाँदा जी मेरे को जानवर जीबा करा लो तो उन्होंने पूछ लो वो भाई तू जानवर जीबा करना तेन पता वे कि रगां कटनिया ने जानवर दियाँ सुनो जी कि रगां कटिया जान तो जानवर जीबा होंदा तेन पता है वह आखेगा मैनू कोई पता नहीं मैं तो छुरी चलानी भावें वह सीधी चल जाए तो भावें पुठी चल जाए ये हुण तवज्जो नाल गल सुनिया जे कसाई जिहड़ा जानवर जीबा करता पहली बात तो ये कि जानवर तुसी आप ही जीबा करो एडे भोले ना बनो तो ना ही एडे नरम दिन एक बंदा मैनू कहिंदा जी मैनू डर बड़ा लगता जानवर जीबा करन लग्या मैं कहा तैनू लोगों छुरी फेरन लग्या डर नहीं लगता ये लोगों का माल खाण लग्या तैनू डर नहीं लगता झूठ बोलन लग्या तैनू डर नहीं लगता जानवर नू जीबा करन लग्या मेरे नबी ने खुद जीबा किया हजरत अली ने खुद जीबा किया जे डर होंदा तो हजूर पिछे हो जाते गुलाम तो हजारा सन हजूर आ किसी आते जानवर जीबा कर दे हजूर अपने हाथों नाल जीबा किया तकबीर पढ़ी है एक कसाई को जीबा ना करवाया करो मेहरबानी जिन्हें कुरबानी देनी है तवज्जो नाल समात करो जानवर आप ही जीबा करो कसाई कोल खिलारो जानवर उन्होंने कहो बन लवो चंगी तरह तो जानवर आप ही छुरी लैके ना सारा नहीं होंदा थोड़ी जी छुरी चलाओ छुरी आप ही फड़ के तो छुरी फड़ के तकबीर पढ़नी है तकबीर की है बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर की पढ़ना है बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर और मसला सुन लो अगर दो बंदियां ने छुरी नू फड़िया ना एक कसाई ने भी छुरी नू हाथ रखिया एक मालक ने भी छुरी नू हाथ रखिया ये मसला सुनिया जे तो फिर दोवां बंदियां वास्ते तकबीर पढ़ना लाजम है अगर दो बंदियां ने छुरी नू मसलन बंदा कहिंदा यार मेरे नाल जरा हाथ रखी कसाई नू कहिंदा तो मैं थोड़ी जी छुरी चलाना फिर तू जीबा कर दें फिर कसाई उत्ते भी तकबीर पढ़ना ते नाल मालक उत्ते भी तकबीर पढ़ना जरूरी है लाजम है अगर दोवां विचों एक ने भी जान बुझ के तकबीर नहीं पढ़ी जानवर हराम है एनू एवी ना समझियो ये बड़े जरूरी मसले जे अगर दोवां बंदियां विचों एक बंदे भी तकबीर जान बुझ के नहीं पढ़ी ये मसला है अगर भुल गया तो फिर तो ठीक है फिर जायज़ है अगर जान बुझ के नहीं पढ़ी उन्हें तकबीर तो फिर वह जानवर जिहड़ा वह हराम हो गया हलाल नहीं होया जिहड़ा बंदा जानवर नू ज़िबा कर रहा उहदे उत्ते तकबीर पढ़ना वाजिब है लाजम है जरूरी है इस वास्ते तकबीर का ख्याल रख्या करो कई बार कसाई ऐसे होंगे ना तुहानूं पता ईद वाले दिन उन्होंने बड़ी जल्दी होंगी ईद वाले दिन कसाइयों को बड़ी जल्दी होंगी वो कहते हैं जल्दी जल्दी छुरी फेरो तो अगे चलो कई बार कसाई तकबीर भी नहीं पढ़ते वो कहते हैं साडा किहड़ा जानवर है जी जी इत्थे भरा भरा नूं नहीं बख्शदा वह फिर भी कसाई है वह कहता साड़ी किहड़ी कुरबानी मालकां दी कुरबानी है और जल्दी करो जी छुरी फेरी अगर कसाई ने जान बुझ के तकबीर नहीं पढ़ी जानवर दे तो जानवर हराम जो कुरबानी नहीं होएगी कुरबानी वह होंगी जिदे ते अल्लाह का नाँ लिया जाए अल्लाह का ना लिया जाए बिस्मिल्लाह ही अल्लाह इस वास्ते कहा वे कि जेड़े बंदे जानवर दे कोल खड़े ने मसला समझो कई बार होंगे कि बच्चे भी वड्डे भी जानवर दे कोल खड़े होंगे जेड़े बंदे जानवर दे कोल खड़े ने वो सारे ही बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर पढ़न हो सकता उन्होंने ना याद हो सुन के वह भी पढ़ लवे एदा फायदा जे जानवर दे कोल खड़े हो पहला उन्होंने कह लवो कसाई नूं तकबीर पढ़ लई यार तेरी मेहरबानी जानवर आप ही ज़िबा करो जानवर दी चार रगां कटनियां जरूरी ने जानवर दी किन्नियां रगां जानवर दियां चार रगां कटनियां जरूरी ने कई बार कसाई पता की करते हैं ये मैं अपनी अखां नाल वेखे है और शरीयत उहदे उल्ट कह रही है जो कसाई कर रहे हैं कसाई चार रगां कट के ना तो जानवर के हराम मगज में छुरी मार दे बंदियां नूं हुण की पता लगे मैं बड़े बड़े सियाने बंदे वेखे नूं कसाई उन्हां नूं पता ही नहीं लगन देंदे क्यों उन्हें अगे भी जाना उन्हें इन्हां दी कुरबानी थोड़ा वो जानवर दी चार रगां कट के ना वो हराम मगज में छुरी मारते हैं वह पता कि उन्होंने फायदा है वह कसाइयों नूं इहदा फायदा हुंदा कि जानवर जल्दी नाल मुर्दा हो जाता उहदा जिसम ठंडा हो जाता शरीयत की कहिंदी है कि जानवर दी चार रगां कट के तो उन्हें तड़फन दिओ हुण समझो मसले नूं उन्हें तड़फन दिओ उन्हें हिलन दिओ क्यों जो जानवर तड़फदा ना तो उहदियां रगां विचों खून बाहर आउंदा है खून वाला गोश्त खाना जायज नहीं आ मसला समझो बड़ा पचीदी गल तुहानूं दस रहा जी जिहड़ी किसे नहीं दसनी उहनूं कसाई नूं कहना कि इहदे हराम मगज में छुरी नहीं मारनी जे तैनूं इन्नी जल्दी है तो कितले होर चला जा असां आराम नाल शरीयत दे मुताबिक जानवर ज़िबा करवाना तैनूं पैसे देने ने कोई मुफ्त काम थोड़ी करवा रहे हैं
इस वास्ते जानवर नूं कोई चार पांच मिनट तड़फन दिओ। जो जानवर तड़फदा है तो उहदा सारा जिसम का खून बाहर आउंदा है, ते जो खून बाहर आउंदा है तो गोश्त पाक हुंदा है। खून वाला गोश्त खाना इस्लाम विच जायज नहीं, खून हराम है शरीयत दे अंदर। ते ओ जदों उहदे हराम मगज विच छुरी मारदे ने ना, वह जानवर उत्थे ही ठंडा हो जाता, उहदा खून उत्थे उत्थे जम जाता। इस वास्ते वो खाना जानवर भी हराम, उहदा गोश्त भी हराम हो गया। इस वास्ते कसाई नूं कहो यार तेरी मेहरबानी, ये तेरी बड़ी बड़ी तेरी मुहब्बत है कि जानवर नूं राम दे नाल मुहब्बत दे नाल ज़िबा कर, इहदा खून सारा निकल लैण दे, ते फिर इहदा अगला मसला जिहड़ा हल करी। अगला मसला सुनो जी।